हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास ऑफ मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस। सो बच्चों, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस का असी जो फिफ्थ लेवल चैप्टर जो शुरू किया जिसका नेम है डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑफिस। सो फिफ्थ चैप्टर का अज लास्ट लैक्चर है, सैवंथ लैक्चर, जिस दे विच असी इस चैप्टर असी खत्म कर देना वा। सो उस तो पहले पिछले 6 लैक्चर दे विच असी की पढ़िया, जिस दे विच असी इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, फिर असी बेसिस नूं पढ़िया भी किस किस बेस से असी डिपार्टमेंटेशन करते हैं, नीड एंड इंपोर्टेंस भी एक डिपार्टमेंटेशन करन दी सानू क्यों लोड़ पैंदी है ते इसदा सानू की फायदा हुंदा है वो पढ़िया। उस तो बाद फैक्टर अफेक्टिंग डिपार्टमेंटेशन, डिपार्टमेंटेशन करने वेले कड़ियाँ गल्लां दा ध्यान रखना चाहिए था, उस फैक्टर्स के पढ़िया। दैन असी रीसेंटली पिछले 2 लैक्चर के असी डिपार्टमेंट्स बारे पढ़िया, जिस दे विच ऑफिस डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट ते स्पैशल डिपार्टमेंट्स 3 हेड दे अंडर असी सारे तरह के डिपार्टमेंट्स नूं पढ़िया। हुण असी चैप्टर नूं अगे खत्म करते हैं, कंटिन्यू करते हैं 2 टॉपिक्स दे नाल, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। डिपार्टमेंटेशन करन दे नाल सानूं की फायदा हुंदा है, फिर असी एडवांटेज मतलब मैरिट्स जां बेनीफिट और डिपार्टमेंटेशन दे पढ़ांगे। सब तो पहला गल करते हैं ड्यूटीज़ एंड अथॉरिटी। सो हर एक बंदे नूं अपनियां ड्यूटीज़ ते की उहदे कोल अथॉरिटी है उहदे बारे बड़ा ही बरीकी दे विच पता लग जांदा है, जिस करके काम दे विच ऑर्गेनाइजेशन दे विच हर एक काम की क्वालिटी जिहड़ी है पैदा होंदी है। सो ड्यूटी अथॉरिटी जिहड़ी है क्लीयरली हर एक नूं पता लग जांदी है कि इह फायदा वा। सैकंड फायदा की है, जदों कि हर एक बंदे नूं अपने अपने जिम्मेवारियां, अपने अपने काम चंगे तरीके नाल पता ने, तां इस करके सानूं उहनां दी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी सानूं बहुत सौखी हो जांदी है। मतलब असीं किसी भी तरीके दी नवें किसी काम की जिम्मेवारी उन्हां बंदियां दे उपर, परसन दे उपर असीं पा सकते हैं। सो सानूं अकाउंटेबिलिटी फिक्स करन दे विच आसानी हुंदी है जे असीं डिपार्टमेंटेशन कर दिंदे हां। अगे ऑपरचुनिटी टू मेक इनिशिएटिव। सो जिहड़े डिपार्टमेंट दे मैनेजर आ उन्हां दे कोल हुण एक ऑपरचुनिटी है, एक मौका वा जिस दे नाल उह इनिशिएटिव दे लई अपने जिहड़े अपने अंडर काम कर रहे सबोर्डिनेट नूं एक इनिशिएटिव लैण दे लई एक मौका प्रोवाइड कर सकते हैं, जिस करके वह नवी नवी उन्हां दे विच मैनेजीरियल स्किल जिहड़ियां उन्हां नूं सिखा सकते हैं, उन्हां दे विच नवे गुण भर सकते हैं। सो अगे गल करते हैं असी डिपार्टमेंटेशन जिहड़ी आ वह एक बेस प्रोवाइड करती है टॉप मैनेजमेंट नूं। टॉप मैनेजमेंट जिहदे विच की आ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जां ओनर्स हुंदे ने, सो अपने एक्टिविटी दे विच कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट नूं ध्यान च रखते हुए। सो इस तरीके नाल डिपार्टमेंटेशन की करती है टॉप मैनेजमेंट नूं एक बेस प्रोवाइड करती है, एक यह फायदा वा। सो अगे आप देखते पे हाँ टू कंट्रीब्यूट अटेनमेंट ऑफ स्पैशलाइजेशन। स्पैशलाइजेशन मतलब माहरता, जे असी हर एक काम नूं वख वख हिस्सों के वंड के कराने तो हर एक बंदा अपने हिस्से दिता हुआ काम नूं बड़ी ईमानदारी दे नाल ते अपनी एबिलिटी दे अकॉर्डिंग बेस्ट परफॉर्म करन लई पूरी एफर्ट्स लगाउंदा, जिस करके उहदे विच एक स्पैशल क्वालिटी पैदा हुंदी है, एज ए रिजल्ट जिहड़ी है स्पैशलाइजेशन जिहड़ी है अचीव हुंदी है, अटेन हुंदी है। सो नैक्सट असी देख रहे हैं, इस तो बाद 5 पॉइंट असी पढ़ चुके हैं, अगले 5 दे विच असी देख रहे हैं इवैल्यूएशन। डिपार्टमेंटेशन दे नाल की हुंदी है वख वख डिपार्टमेंट दे जिहड़े आ काम की परफॉर्मेंस की असी मुल्यांकन कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं, ते उन्हां दे विच्चों असी डिपार्टमेंट दे विच्चों असी इह वी देख सकते हैं किहड़े डिपार्टमेंट जिहड़े प्रोपरली काम नहीं कर पा रहे ने। सो इवैल्यूएशन मतलब डिपार्टमेंट की असी वैल्यू पा के देख रहे हैं भी किहड़ा डिपार्टमेंट सही काम कर रहा ते किहड़ा नहीं कर रहा। सो इस तरीके नाल अगे सानूं सुपरविजन करन च भी एक फैसिलिटी मिलती है, एक फायदा मिलता है, हैल्प मिलता है। डिपार्टमेंटेशन फैसिलिटेट प्रोपर सुपरविजन एज ए अथॉरिटी फॉर मेकिंग डिसीजन इज डिफ्यूज टू मैनेजर ऑफ डिपार्टमेंट्स। सो सिंपली आप जो गल करिए डिपार्टमेंटेशन करके ही सुपरविजन करनी जी बहुत ही आसान हो जाती है। सो 8th आप अगर देख रहे हैं विच कंट्रीब्यूशन मिलती है किस चीज़ के, टू इट कंट्रीब्यूट टू डिवेलपमेंट ऑफ मैनेजीरियल परसोनल। जेडे परसन मैनेजमेंट कर रहे हैं सो उन्हों की मैनेजमेंट करने के विकास करने जी मैनेजमेंट अपना पूरा जना ऑर्गेनाइजेशन अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अगे डिपार्टमेंटेशन मेक बजट प्रेपरेशन ईजीली। बहुत सौखे तरीके जरा बजट बनाया जा सकता है क्योंकि पूरे ऑर्गेनाइजेशन असी हिस्सों के पार्ट्स के बंट दिता है, हर एक डिपार्टमेंट का अलग बजट बनता है। सो जो कि ईजीली असी बना सकते हैं, इकट्ठा बना कई बार की बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो हर एक डिपार्टमेंट मैनेजर अपने लैवल के उपर अपने ऑर्गेनाइजेशन के
अपने उस हिस्से दे विच अपनी जिहड़ी आ वधिया तरीके नाल बजट प्रैपरेशन कर सकते हैं। सो इस तो बाद अगे अस देखते हैं इट कंट्रीब्यूशन टू परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इट कंट्रीब्यूट टू परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इट हैल्प नॉट ओनली टू फिक्सिंग रिस्पोंसिबिलिटी बट ऑलसो इन इवैल्यूएशन ऑफ वर्क कैरिड आउट बाय इंडिविजुअल्स। सो ये की होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस जी असं वधिया तरीके इवैल्यूएट कर सकते हैं। सो इवैल्यूएशन करन दे विच असीं पूरा अपना योगदान दे सकते हैं। इस नाल यही नहीं जरूरी भी कल असी रिस्पोंसिबिलिटी फिक्स करते हैं सगो तो हर एक बंदे का काम कितना होना चाहिए असी वह भी असी इवैल्यूएट कर सकते हैं। सो ये फायदे जो असी पढ़े भी डिपार्टमेंटेशन करन दे नाल सानू आ 10 फायदे होंगे। सो कई बार सानू कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती नहीं डिपार्टमेंटेशन कारण। सो असी वह 5 पॉइंट ये वाले डिस्कस करते हैं। सब तो पहला कहने डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन। जो असी बिजनेस हाउस में वक् वक् हिस्सों वंड दें तो वक् वक् हिस्सों के वक् वक् कामों के जी तालमेल बना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो एक इंडिविजुअल लैवल से एफिशिएंसी बनाने के लिए एक डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा वर्क करना पैंदा है जो कि कई बार दूजे के इंट्रस्ट का काम भी नहीं होंदा जिस करके ओवरऑल उन्होंने अपनी एफिशिएंसी खत्म हो जाती क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने काम को करना है तो अपने दे उपर कई बार वह पूरा उपर कंट्रीब्यूशन नहीं भी दे पाते हैं। इस करके कई बार उन्होंने एफिशिएंसी जी वधिया तरीके डिवेलप भी नहीं होंगी क्योंकि कोऑर्डिनेशन करके प्रॉब्लम होंगी है। सो अगे गल करते हैं डिफिकल्टी ऑफ कम्यूनीकेशन। डिपार्टमेंटेशन कारण जी कम्यूनीकेशन भी बहुत सारिया प्रॉब्लम आदि ने क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन दे विच जिहड़ा ऑर्गेनाइजेशन वंडिया गया है जिस करके उन्हां वास्ते प्लैनिंग अते कंट्रोलिंग करनी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। सो इस तो बाद अगे गल करते हैं डिपार्टमेंटेशन दे नाल की हुंदी है डिपार्टमेंटेशन जिहड़ी ज़्यादा महंगी भी पैंदी है। सो महंगी किवें हुंदी है डिपार्टमेंटेशन इनक्रीज लैवल ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ मोर एक्सपेंसिव। सो लैवल बनाए जाते हैं जिवें आपां देखते हैं पहलां तां दो लैवल दे विच वंडिया गया जो डिपार्टमेंटेशन कीती गई है तां पहला तो डिवाइड किया टॉप मिडल और लो लैवल दे विच उस तो बाद लो लैवल और मिडल लैवल में अगे पार्ट्स दे विच डिवाइड किया जाता है। सो जो ज़्यादा ज़्यादा लैवल दे विच वंडिया जाता है तो यह ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। इट आल्सो इनक्रीज द गैप होता है बिटवीन टॉप और वर्कर टॉप मैनेजमेंट के वर्कर के विचकार जिहड़ा है लैवल जिहड़ा बनाए जाते हैं गैप भी वधाउंदे जाते हैं। सो इस तरीके ज़्यादा महंगा भी बनता जाता है। अगे गल कर रहे हैं डिले इन डिसीजन मेकिंग। हुण जो असीं कहता भी टॉप लैवल ते वर्कर दे विचकार गैप बढ़ता जा रहा है तो उन्होंने डिसीजन च भी जिहड़ा डिले इस गैप करके ज़्यादा बढ़ जाता है। डिसीजन ऑन मेजर इशू आर टेकन ऑन एट द टॉप लैवल ज़्यादातर जो डिसीजन टॉप लैवल ते ही ले जाते हैं तो उस तो बाद उन्होंने कम्यूनीकेट किया जाता बोटम मतलब की है लो लैवल ते भेजा जाता है थ्रू चेन ऑफ कमांड यूनिट ऑफ कमांड जो असी मैनेजमेंट पढ़ते हैं एक चेन बनाई जाती है एक मतलब सब तो टॉप लैवल वाला उस तो अपने तो छोटे अपने तो सबोर्डीनेट नू फिर वह सबोर्डीनेट अपने तो सबोर्डीनेट नू अगे तो अगे जो इनफॉर्मेशन जी है शेयर करता जिस करके जरा कई बार डिसीजन लैन दे विच जी देरी भी हो जाती है। कम्यूनीकेशन डिसीजन टू टॉप जब आप गल करिए कम्यूनीकेशन डिसीजन जरा बोटम तक पहुँचता वो डिले पहुँचता एक इंप्लीमेंटेशन तक। सो इस करके कई बार डिसीजन मेकिंग देरी हो जाती है। कोऑर्डिनेशन इफेक्टेड ज़्यादा डिपार्टमेंटेशन के नाल की होती है जी कोऑर्डिनेशन भी ज़्यादा इफेक्ट होती है। देर मे बी डिफिकल्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोसैस बहुत सारे प्रोसैस के उपर भी डिपेंड करती है जिस करके हो जाती है। सो इस तरीके होर भी बहुत सारे जड़िया डिसएडवाटेज हो सकते हैं जिमें कि जो आप 6th पॉइंट बना आए कन्फलिक्शन कई बार कन्फलिक्शन पैदा हो जाती है मैनेजर के विचकार वक्त वक् कामों के उपर कन्फलिक्शन मतलब लड़ाइया। सो मैनेजर के विचकार लड़ाइया हो जाती ने जो जिमें कि परचे डिपार्टमेंट हैड हो जाते हैं सेल डिपार्टमेंट के हैड होते हैं तो उन्होंने आपस कोऑर्डिनेशन ना बन करके उन्होंने विचकार कन्फलिक्शन पैदा हो जाती है। इस तो अलावा कई बार की है भी जो फैसिलिटीज़ ने अंडर यूटिलाइजेशन भी होती है असं भी 7th पॉइंट बना सकते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फैसिलिटी और मैन पावर क्योंकि सैपरेट डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं वक् वक् तरह के क्लासेस के कस्टमरस नूं मिलने के लिए। सो इस तरीके दे नाल असीं डिसएडवांटेज पढ़े ने। सो डिसएडवांटेज थोड़े होने के कारण असी ये देख रहे हैं भी एडवांटेज ज़्यादा नहीं इस करके डिपार्टमेंटेशन नूं बेस्ट मनिया जाता है चाहे इहदियां कुछ डिसएडवांटेज हन पर फिर भी एडवांटेज ज़्यादा होने करके असी डिपार्टमेंटेशन ज़्यादा बेस्ट मानते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन इस नूं अप्लाई भी किया जाता है। सो इस तरीके दे नाल बच्चों अज दा असी
ਲੈਕਚਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਫਥ ਚੈਪਟਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਆਫ ਐਨ ਆਫਿਸ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨੂੰ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਪੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੋ, ਸਟੇ ਹੋਮ, ਸੇਵ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਐਟ ਹੋਮ। ਥੈਂਕਸ।